बिलावल भुट्टो जरदारी आप ही की तलाश है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अब तो आप बहुत अच्छी तकरीर कर लेते हैं, अब तो आप यूं करके चुटकी बजा के मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे लेते हैं, बहुत अच्छे जवाब दे लेते हैं। लेकिन मुझे वो बिलावल भुट्टो जरदारी याद है जो कच्चे के इलाके में उतरा था और सैलाब ज़्यादा ख़वातीन के पास चला गया था, घुल मिल गया था, यही मिसिंग है। आप बहुत अच्छी बात करते हैं, आप बहुत अच्छा खिताब करते हैं, आपके पास बहुत अच्छे दलाइल होते हैं, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं जो मीडिया को बहुत अच्छी तरह से डील करना जानते हैं, लेकिन एक मामला है रीच। आपकी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है और आप खुद कितने लोगों तक पहुंचे हैं, ये नहीं करती थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये नहीं करते थे आपके नाना। वो लोगों से जाके मिलते थे, उनको लोगों के मसाइल का पता होता था, उनके पास में ऐसे दलाइल नहीं होते थे। आज कराची ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है, आज कराची के शहरी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं जैसे कच्चे के इलाके में बारिश हो जाए, जैसे किसी हारी की खेती निगल जाए पानी बारिश का, सैलाब का, सैलाबी रेल आ जाए। आज कराची के शहरी बिल्कुल वैसे ही बुनियादी सहूलतें और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इमदाद वैसे ही तलाश कर रहे हैं, वैसे ही आपकी तरफ देख रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक वैसे ही वो अपना समूह लेकर अपनी परेशानियां खुद हल करने के लिए निकल खड़े होते हैं। वो वैसे ही बाबा को, ईदी को तलाश कर रहे हैं, वो वैसे ही एनजीओस की तरफ देख रहे हैं जैसे कई सालों से होता आया और कई सालों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स भी मिलते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कराची का शहरी आज भी कहता है कि मेरा वोट क्या हुआ, हवा हुआ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मैं कराची के जिस हिस्से की बात कर रही हूँ ना, जहाँ के आप मनाजिर भी देख रहे हैं, सरजानी टाउन, मैं चाहती थी कि हम थोड़ा आगे चलकर उसके ऊपर डिटेल से बात करें, पहले हम अपने आसपास का इलाका आपको दिखाएं, लेकिन बस एक दो जुमले हैं, जरा सुन लीजिए उस मसले पर जाने से पहले। पहले ये कौन सी आबादी है सरजानी टाउन और उसके आसपास? ये बहुत मेहनत करने वालों की आबादी है जो 12 घंटे से ऊपर काम करते हैं और उसकी आधी तनख्वाह लेकर घर जाते हैं और उसके बाद में ये ख्वाब देखते हैं कि मैं चैन से नहीं जी सकता, मैं आराम से नहीं सो सकता, सवेरे मेरे बच्चे टिफिन लेकर स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्कूल जाएंगे, वो पढ़ेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा मेरे हालात बदलेंगे, मैं, मेरा बाप, मेरा दादा कैसे भी मरे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे बच्चे, हम जिनके लिए अच्छा ख्वाब देखें, वो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हम ये माहौल देंगे उनको, हम ये माहौल नहीं दे सकते, हम इससे निकल भी नहीं सकते। और इस सब की जिम्मेदारी आप शहरियों पर डालें, अफसोस का मकाम है सोच के ऊपर भी।